हाय फ्रेंड्स आठ तारीख को पूर्णिमा है फुल मून है फुल मून के दिन हम बहुत सारे रिचुअल्स करेंगे इस बार और सबसे पहले बता देती हूँ कि ये जो पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है इसे त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन शंकर जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और काफ़ी ज्यादा पावरफुल है ये पूर्णिमा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस कार्तिक पूर्णिमा में गंगा जी में दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है अब गंगा जी स्नान करने कैसे जाएं दीप दान कैसे करें सब लोग तो जा नहीं सकते जो जा सकते हैं उनके लिए तो ब्लेस्ड हो जाएगा गंगा जी नहाने ज़रूर जाइए गंगा जी के होली वाटर में नहाइए डुबकियाँ लगाइए दीप दान करिए वहाँ पे जो नहीं जा सकते वो कैसे कर सकते हैं सुबह आप नहा धो कर के एक बड़ा सा परात लीजिए परात क्या होता है बड़ा बहुत बड़ी सी थाली गहरी थाली ओके उसको आप लीजिए और उसको लेकर पीतल का हो तो और अच्छा है नॉर्मल हो स्टील का तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है किसी भी धातु का चलेगा ओके अगर आपके घर में परात नहीं है स्टील का कोई गहरा प्लेट नहीं है तो कोई भी बाउल आप ले सकते हैं ओके कोई भी बाउल आप ले सकते हैं एंड उस बाउल में भी आप कर सकते हैं इसको दीपदान गंगा जी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया बहुत महत्वपूर्ण है और ये फुल मून मिस नहीं करना है कार्तिक पूर्णिमा साल में एक बार आता है और दीनदान भी गंगा जी में एक बार किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन वैसे आप कभी भी कर सकते हैं कोई ऐसा रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट लेकिन फिर भी कुछ जो स्पीशस दिन होते हैं जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वन डे एक्टिविटी मिस नहीं करनी है तो इसको भी मिस नहीं किया है करना है और आप लोगों ने यस uh, yes, जो भी एक्टिविटीज़ मैंने वन डे की बोली हैं आप लोगों ने बहुत श्रद्धा से किए हैं एंड येस उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा तो ये वाला क्या करना है आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन आठ तारीख को सुबह उठिए ब्रह्मूरत में कर सकते हैं ब्रह्मूरत में करिए नहीं तो जब भी आप नहा धो लेते हैं अच्छे से उसके बाद एक बर्तन में आप पानी भरेंगे स्वच्छ पानी इसके बाद उस पानी में आप गंगा जल डाल देंगे ठीक है गंगा जल की कुछ बूंदी डाल सकते हैं एक दो चम्मच डाल सकते हैं या कम से कम एक कटोरी भर के गंगा जल डाल सकते हैं अगर आपके पास उतना है तो ठीक है हर किसी के घर में गंगा जल होता ही है पूजा के स्थान पे अगर किसी के पास गंगा जल नहीं है तो प्लीज़ अपने घर के आसपास जो भी पूजा की शॉप्स हैं दुकानें हैं वहाँ पे जाइए अब हर दुकान पे गंगा जल मिलता ही मिलता है बोतलों में मिलता है छोटी छोटी बॉटल्स में मिलता है उसको लेके आइए और ये वन टाइम एक्टिविटी ये विधान ये उपाय ये रिचुअल ज़रूर कीजिएगा भूलिएगा नहीं ओके इससे ब्लेसिंग ही मिलेगी लाइफ ब्लेस्ड ही रहेगी ठीक है अब क्या करना है आपको गंगा जी के जो ये बाउल आपने बनाया है इसमें पानी भर लेना है पानी भरने के बाद गंगा जल डालना है गंगा जल डालने के बाद कुछ फूल अगर आप डाल सकते हैं तो वो डालिए और एक पत्ते पे आपको दियर रखना है पत्ता कौन सा होना चाहिए आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं आप आम के पत्ते ले सकते हैं आप पान के पत्ते ले सकते हैं ये तीन जो पेड़ हैं इनके पत्ते और अशोका के पत्ते हर जगह मिलते हैं पान का पत्ता आप भी आपको हर जगह मिल जाएगा आप पहले ही एक दिन पहले ला के खरीद के रख सकते हैं और फिर उसको अगले दिन आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं उस पत्ते पे आपको ये दिया रखना है छोटा सा मिट्टी का दिया बना लीजिए या आटे का दिया जला लीजिए कितने दिए जलाने हैं तो एक दिया काफ़ी है एक दिया आप जलाइए घी का दिया ही कोशिश कीजिएगा कि आप जलाएं आटे का घी का दिया उस पर जला के कुछ फूल पुष्प आदि लगा के आप उस पानी में थोड़ा सा अगर आप चाहें तो रोली वगैरह डाल सकते हैं नहीं तो सिंपल इस दिए को आप उस पानी में छोड़ देंगे जैसे फ्लोटिंग दिया होते हैं ना वैसे ये फ्लोट करेगा ठीक है अब कुछ लोग जो हॉस्टल में रहते हैं उन्होंने मुझे लिखा था कि मैम हमारे पास ना दिया है ना घी है हम कैसे करें तो आपको इतना तो कर सकते हो कि फ्लोटिंग कैंडल्स हर जगह मिलती हैं अभी दिवाली ख़त्म हुई है तो बहुत सारे तो पड़े भी होंगे उन फ्लोटिंग कैंडल्स को ही एटलीस्ट आप इस पानी में जला दीजिएगा और हाथ जोड़ लीजिएगा वो भी आपको हेल्प ही करेगा बट वो सेकेंडरी ऑप्शन है हमेशा ध्यान रखिएगा सब उसे इनिशियल फर्स्ट ऑप्शन मत समझिएगा सबसे पहले काम यही करना है घी का दिया आटे का दिया जला लीजिए बहुत अच्छा नहीं आटे का जला सकते मिट्टी का दिया आप जला लो सिंपल और उसको इस पानी में छोड़ने के बाद आप वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के अपनी जो भी विशेष हैं जो भी विनती प्रार्थनाएँ हैं पूर्णिमा के दिन ज़रूर करिए ठीक है बल्कि हो सके तो उस टाइम पे जब आपने ये दिया पानी में छोड़ा है तो वहीं पे बैठ के आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं अपनी विषय से आ, रिलेटेड अफर्मेशन लिख सकते हैं कोई और आपको स्क्रिप्टिंग करनी है वो कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन वैसे भी अपनी विषय से रिलेटेड आ, स्क्रिप्टिंग जरूर करनी चाहिए ठीक है तो सबसे पहला तो ये हो गया कि दीपदान करना है दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रही हूँ इसको मिस मत कीजिएगा बल्कि इसलिए मैं दो दिन पहले ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए दूसरी टेक्निक है कि हमारे जो विष्णु भगवान हैं उन्होंने मत्स्य अवतार इसी दिन लिया था कार्तिक पूर्णिमा के दिन मत्स्य अवतार लिया था मत्स्य अवतार क्या होता है मछली का रूप धारण किया था उन्होंने ठीक है इसके पीछे क्या कारण है क्या कहानी है वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगी नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अभी हम सिर्फ रिचुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हम पूर्णिमा पे कर सकते हैं तो अब क्योंकि मत्स्य अवतार कार्तिक पूर्णिमा के दिन लिया था तो हमारा ये मानना है कि जब हम मछली को कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप अगर किसी नदी के किनारे रहते हैं बहुत इजीली अवेलेबल है एक्सेस है वहाँ पे जाकर के आप मछलियों को कुछ दाने डालें कुछ जो भी उनके फूड होते हैं वो उनको खिलाएं ओके खिलाते समय आप बेशक से अपनी विनती प्रार्थना जो भी मन में है वो कर सकते हैं अगर ऐसा नहीं है सिंपल तरीका बता देती हूँ बहुत ईजी बहुत से लोगों के घर में एक्वेरियम होता है राइट मैक्सिमम लोगों के घर, घरों में घरों में एक्वेरियम होता ही होता है अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो उस दिन आप मछलियों को खुद अपने हाथों से जो भी उनका फूड आप डालते हैं खाना डालते हैं वो डालिए और डालते समय मछलियों को ध्यान से देखते हुए अपनी इंटेंशंस प्रेजेंट टेंस में वहाँ पर आप बोलेंगे ठीक है कितनी बार तो एटलीस्ट पाँच बार ओके एटलीस्ट पांच बार आप अपनी इंटेंशन मछलियों को देखते हुए और रिपीट करोगे अपनी विशेज़ को एक हो अनेक हो जितनी विशेज है सब बोल सकते हो हर विश को पांच बार रिपीट करना है पीरियड्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आराम से कर सकते हो ठीक है तो ये रिचुअल्स गंगा में दीप दान का रिचुअल जो मैंने बोला है गंगा के पानी में वो आप पीरियड्स में नहीं कर सकते वो आपकी जगह पीरियड्स में आपके कोई घर के मेम्बर कर देंगे ठीक है तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा लेकिन ये जो मछलियों को आपको फूड खिलाना है दाने डालने हैं और दाना डाल के अपनी विशेष को इंटेंशन्स को बोलना है वो आप कर सकते हैं उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ठीक है तो ये आप ज़रूर करेंगे और अगर कहीं कोई एक्वेरियम भी नहीं है कोई मछलियाँ है ही नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं हम फिर आप बाकी के उपाय कर लीजिएगा जो मैं अभी बता रही हूँ एक तो मैंने आपको पहले बता दिया गंगा जी में दीपदान का दूसरा ये मत्स्य अवतार ये मछलियों को जो दाना डालने वाला है ये सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा को ही होगा सो इट्स नॉट कि अगर इस पूर्णिमा को नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट पूर्णिमा कर लेंगे नहीं सिर्फ इस पूर्णिमा को वो भी इसलिए क्योंकि ये ईश्वर का मतस्या अवतार है मछली का अवतार है तो हम मछलियों को डायरेक्टली अपनी चीज़ें बोल रहे हैं ओके सो वहाँ पे ये बहुत इफेक्टिव हो जाएगा इसलिए बता रही हूँ मैं आपको सारे दिन में कभी भी कर सकते हो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बस खड़े होकर उनको दाना पहले डालना है फिर उन्हें देखना है प्रेजेंटेंस में अपनी अपनी विशेज़ बोलनी है बस थैंक यू बोलना है ग्रेटफुल होना ग्रेटिट्यूड देना है सिंपल ठीक है इसके बाद जो लोग ये नहीं कर सकते वो क्या करेंगे रात को आपको तेज पत्ते की टेक्निक तो करना ही करना है ग्यारह तेज पत्ता लीजिए उन पर अपनी अपनी विशेज लिखिए टेंस में और ग्यारह के ग्यारह तेज पत्ता हर तेज पत्ते को हाथ में लेके विजुअलाइज़ करिए कि वो विश पूरी हो गई है और फिर उस तेज पत्ते को जला दीजिए ऐसे करके जब ग्यारह तेज पत्ते जल जाएँ उनके आशिस को हवा में उड़ा दीजिए सारे दिन में कभी भी ये कर सकते हैं आप पूर्णिमा के दिन ठीक है सो so ये तीन चीज़ें तो हो गई चौथा एक और इम्पोर्टेंट पूर्णिमा है हमें अपने मैजिक बॉक्सेस चार्ज करने ही हैं सबके मैजिक बॉक्सेस रेडी होंगे सो so अपनी अपने मैजिक बॉक्सेस को पूर्णिमा और वो भी कार्तिक पूर्णिमा जो इतना इम्पॉर्टेंट है चांदनी रात में रखना ना भूलें इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं एक काम जो आपके मनी को बढ़ाने के लिए धन को बढ़ाने के लिए करना है ये ढोल की आवाज तुलसी विवाह है आज तो वो आ रही होगी बैकग्राउंड म्यूजिक में सो आई कांट हेल्प एट आउट और क्या करेंगे so... एक प्लेन पेपर लेंगे उसके अंदर ग्रीन कलर के स्केच पेन से एक सर्कल बनाएंगे उस सर्कल के अंदर वन वन सेवन सिक्स हरे कृष्णा जो स्वेच वर्ड है हमारा कैपिटल लेटर में वो लिखेंगे ग्रीन कलर से ठीक है इस पेपर के बीच में आप एक का कॉइन एक दो तीन जो भी है पर एक का कॉइन ज़्यादा अच्छा है एक का कॉइन आप इसके बीच में रख के इस पेपर को आप चांदनी रोशनी में कल पूर्णिमा की रात को कार्तिक पूर्णिमा की रात को मीन्स आठ तारीख को सॉरी आप ये पेपर चांदनी रात में सारी रात छोड़ देंगे ये जो कॉइन है ये इतना ब्लेस्ड हो जाता है कि फिर इसको मान्यता है कि अगर हम अपने लॉकर्स में पर्स में वॉलेट में कहीं पे भी रखते हैं तो वहाँ ये मनी को अट्रैक्ट करने के लिए एक मैग्नेट के रूप में बन जाता है तो ये काम आप सब कर सकते हैं अच्छा अब यहाँ पे होगा हम मल्टीपल कॉइन्स रख सकते हैं वहाँ पे ताकि हम अपने पर्स में भी रख सकें लॉकर में भी रख सकें अलग अलग जगह जगह पे तो हाँ आप इस सर्कल के बीच में जितने कॉइन्स रखने हैं वो आप रख सकते हैं एंड फिर वो कॉइन मॉर्निंग में पिक करके आप हर जगह रख सकते हैं ठीक है तो ये काम आप मनी को अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूर कीजिएगा बच्चे जो एजुकेशन से रिलेटेड मुझसे पूछते हैं स्टडीज़ के लिए पूछते हैं मार्क्स के लिए पूछते हैं उनको बता देती हूँ येलो कलर के कपड़े में अगर कुछ पीले रंग का कोई दुपट्टा है चुन्नी है या आपकी मदर की साड़ी है या फिर प्लेन अगर पीले रंग का कपड़ा है तो वो लेकर के और अपने बुक्स अपने जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बुक्स हैं स्टडी मटेरियल है जो आपको लगता है कि इसमें मुझे ज़्यादा फोकस करना है या ये मेरे को ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मुझे इसमें सारा फोकस डालना है वो सारे बुक्स आप उस पेपर उस येलो कलर के क्लोथ में लपेट के और इसको आप रात भर के लिए चांदनी रोशनी में छोड़ सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा ओस की वजह से बुक्स में नमी ना आ जाए गीली ना हो जाए तो आप इसको पॉल ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में रैप करके भी रख सकते हैं ठीक है ज़रूर रखिए सारी रात छोड़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप चाहें तो बीच में उठा भी उठा के ला सकते हैं इसे वापस पर चांद की रोशनी में ज़रूर छोड़िए एक और चीज़ रात में सोने से पहले वॉल्फ मेडिटेशन करके सोइए वॉल्फ एनर्जी मून लाइट में फुल मून में एक्टिव रहती हैं तो जब आप वॉल्फ मेडिटेशन करते हैं या वॉल्फ की चैंटिंग करते हैं अपनी अपनी विशेज के लिए प्रॉब्लम्स के लिए तो हेल्पफुल रहता है एंड काफ़ी हेल्प मिलती है तो काफ़ी सारी चीज़ें फुल मून पे बता दी हैं आप लोगों को और ये आवाज़ भी बढ़ती जा रही है सो so, वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ एंड यस अपने अपने रिचुअल्स अच्छे से करिए डेडिकेशन से कीजिए कार्तिक पूर्णिमा काफ़ी ब्लेस्ड है एंड यस yes, आप सबकी विशेज़ मैनिफेस्ट और फुलफ़िल हो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल